बुद्ध नगरी में आधुनिक एयरपोर्ट। नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। भारत को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही पिछले 26 सालों से कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर हो रही सियासत भी खत्म हो गई है। श्रीलंका से पहली उड़ान कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरी, जिसमें उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिसमें मंत्रियों समेत बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। इस दौरान क्या कुछ खास रहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत पर। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस एयरपोर्ट की खासियत क्या क्या है, एक के बाद एक बिंदुवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि आखिर ये एयरपोर्ट क्यों खास है। एयरपोर्ट पर रात में भी उड़ान संभव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि रात में भी जो फ्लाइट्स हैं उनकी लैंडिंग हो सके। इसके अलावा इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद पर्यटन, विकास, निवेश और रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। पूर्वांचल के विकास में इसकी बेहद अहम भूमिका रहेगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो पर्यटन है, खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, इजाफा देखने को मिलेगा। 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है और यूपी का सबसे लंबा रनवे वाला ये एयरपोर्ट है। खासियत इसकी हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। 3.2 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा ये रनवे है और अपने आप में बेहद ही अहम ये माना जा रहा है, जहां पर रात में भी उड़ान हो सके इसको लेकर के कवायद लगातार जारी है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद विकास के जो रास्ते हैं वो नई उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। तो कुशीनगर एयरपोर्ट की सौगात मिलने से जहां एक और पूर्वांचल के विकास के दरवाजे खुलेंगे, वहीं दूसरी ओर इस एयरपोर्ट को लेकर जो सियासत हो रही थी उस पर भी लगाम लग गई है। 26 सालों से हो रही सियासत पर भी अब खत्म हो गई है, पूरी तरह से अब सियासत होती हुई नजर नहीं आएगी। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर कब कब बड़े दावे किए गए, किस तरह से सियासत परवान चढ़ी। इतिहास के पन्नों को खंगालने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम किस तरह से सियासत हुई वो आपको बता रहे हैं, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं।
26 सालों से इसको लेकर के राजनीति हो रही थी, और अब जब मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी, उसके बाद 2017 में योगी सरकार ने मोर्चा संभाला था, तो उसके बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाकर तैयार करने का दावा किया गया था, और अब वो वादा निभाया है। और इस एयरपोर्ट के बनने के बाद आज यहां पर पहली जो उड़ान थी वो पहुंची थी। श्रीलंका से प्रतिनिधियों का जो लोग प्रतिनिधि थे श्रीलंका के, वो यहां पर आए थे, बौद्ध भिक्षु यहां पर पहुंचे थे, और इसे बेहद ही अहम माना जा रहा है। मई 2015 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन भी दी गई थी। उसके बाद 2017 में मोदी सरकार जब सत्ता में आई, उसके बाद 5 मार्च 2019 को योगी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच एमओयू साइन हुआ था एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के। 10 अक्टूबर 2019 को एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसे हैंडओवर किया गया था, और अब जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। 24 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया था। तो ग्राफिक्स के जरिए बिंदुवार तरीके से कब कब इसको लेकर के सियासत हुई वो हम आपको दिखा रहे हैं। 22 फरवरी 2021 को डीजीसीए लाइसेंस दिया गया था। तो एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत ने 1945-46 में सामरिक कुशीनगर के सामरिक विकास के मद्देनजर यहां पर हवाई पट्टी बनवाई थी ताकि जो इलाका है उसका विकास हो सके। उसके बाद 5 सितंबर 1995 को मायावती ने हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया था। उसके बाद 10 अक्टूबर 1995 को यानी कि एक महीने बाद ही गुलाम नबी आजाद ने टर्मिनल का यहां पर शिलान्यास किया था, और फिर 3 साल में टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। 2 रडार उसमें लग गए थे उस वक्त, और फिर 2008 में मायावती ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा भी किया था। सियासत हुई, सियासत परवान भी चढ़ी। 2010 में मायावती ने एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का आदेश भी उसके बाद दिया था। विकास को लेकर के, कुशीनगर के विकास को लेकर के सियासत किस तरह से हुई है। 2014 में समाजवादी पार्टी ने 163 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया था। तो 26 सालों से राजनीति होती आई है। मई 2015 में जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई थी, लेकिन एयरपोर्ट बनकर तैयार नहीं हो पाया था। जब योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई, तो उसके बाद 5 मार्च 2019 को योगी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच में एमओयू साइन हुआ। पूर्वांचल के विकास का जो वादा किया था उसको निभाती हुई योगी सरकार यहां पर नजर आ रही है। 10 अक्टूबर 2019 को एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर कर दिया गया था एयरपोर्ट को, तो लगातार। उसके बाद 24 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया था, यानी कि केंद्र सरकार ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और फिर 22 फरवरी 2021 को यानी कि इसी साल डीजीसीए लाइसेंस दिया गया। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको एक एक करके बताया कि किस तरह से पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को लेकर के कुशीनगर में सियासत परवान चढ़ती गई। पार्टियां को लेकर के सरकारों में जो है अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती रही, लेकिन किसी ने भी अपना वादा नहीं निभाया। और अब जब योगी सरकार सत्ता में आई, तो पूर्वांचल के विकास को लेकर के जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उसकी एक कड़ी इसे आप मान सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो गई है। और अब विकास के दरवाजे पूर्वांचल के लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कुशीनगर है वो दुनिया के तमाम हिस्सों से जुड़ेगा, यानी कि एयरपोर्ट के उद्घाटन का मतलब आप समझिए, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, विकास होगा, और जब विकास होगा तो विकास के बयार पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में
कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत का यह संदेश देश के कोने कोने में जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में हम सबका गौरव है, चाहे वह भगवान बुद्ध की राजधानी कपिल वस्तु। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ। सबसे अधिक चातुर्मास जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए श्रावस्ती। सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी। यह प्रदेश का नौवां एयरपोर्ट है जो फंक्शनल होने जा रहा है, पूरी तरह फंक्शनल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है, हम सबका शोभा। तो पूर्वांचल विकास की नई उड़ान भरने के लिए तैयार नजर आ रहा है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और समृद्ध होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्वांचल के विकास में कुशीनगर एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए एबीसी न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।